हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको फिर से एक बार क्रोशिया का बेसिक स्टेप बता रही हूँ। ये भी बिल्कुल सिंपल है, जैसे कि मैंने अपनी फ़र्स्ट वीडियो में बताया था कि सबसे पहले आपने एक सिंपल चेन बनानी है और फिर उसके बाद उसमें मैंने आपको सिंपल अनारदाना बताया था, जो कि ज़्यादा बॉर्डर में यूज़ करते हैं हम जब भी कुछ बनाते हैं जैकेट वगैरह, तो जो उसके नीचे और बाजू के आगे अपन जैसे सिंपल बॉर्डर बनाते हैं नीटिंग में, वैसे ये क्रोशिए का बॉर्डर होता है अनारदाना। उसके बाद अपन जो डिज़ाइन बनाते हैं वो वाला आज आपको मैं सिंपल बता रही हूँ, लूप कैसे बनाते हैं उसके ऊपर। जितना लंबा आपने बनाना है वो आप नाप के उतने ही आप चेन डाल सकते हैं। ये मैं आपको थोड़े से चेन डाल के छोटा सा डिज़ाइन आपको बता रही हूँ बनाना। सबसे पहले आपने ऐसे ही क्रोशिए के ऊपर धागा लपेटना है और दो का एक कर देना है। देखिए उसके साथ बिल्कुल जो साथ वाली चेन है उसके अंदर धागा लपेट के क्रोशिया डाला, फिर अंदर से धागा लिया, ये तीन बन गए। तीन के फिर आपने धागा लेकर दो कर दिए, फिर धागा लेकर एक कर दिया। ये आपने बार बार रिपीट करना है, चेन के हर एक लूप में आपने जैसे धागा लपेट कर डालना है, तीन करके फिर तीन का दो, दो का एक करना है। जो अपना पहले सबसे पहले वीडियो में सीखा था अनारदाना, उसमें धागा नहीं लपेटते थे, सिंपल क्रोशिया चेन में डालते थे और बाहर दिन निकाल के दो लूप का एक लूप कर देते थे। इसमें आपने ध्यान देना है कि क्रोशिए पे धागा लपेट के फिर चेन में डालना है और फिर उसके ऊपर तीन का दो, दो का एक, बस यही आपको बार बार रिपीट करते जाना है। ये सबसे पहले जो फर्स्ट लाइन आपकी बनेगी, कुछ भी आप बना रहे हो, कोई टेबल कवर बना रहे हो स्केयर में, या कुछ जैकेट बना रहे हो, स्वेटर बना रहे हो, सबसे पहले जो लाइन है वो आपकी यही बनेगी। आप अगर अनारदाने वाला बॉर्डर डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं, अदरवाइज़ आप सिंपल ऐसे आप फर्स्ट लाइन बना के उसके बाद आप उसके ऊपर कोई भी डिज़ाइन, जो आप डिज़ाइन बनाना चाह रहे हैं वो आप बना सकते हैं। लेकिन ये फर्स्ट बेसिक स्टेप है आपका। ये दो तीन वीडियो मैंने जो भी बेसिक स्टेप वाली बनाई है ये आपको आनी चाहिए अगर आपने क्रोशिया चलाना सीखना है तो। पहले अच्छी तरह ये बेसिक स्टेप आप सीख लेंगे, उसके बाद ही आपको डिज़ाइन डालना आएगा तो ही आपका हाथ साफ बैठेगा, नहीं तो आपके क्रोशिया के डिज़ाइन में सफाई नहीं आएगी अगर आपको ये अच्छे से तेज तेज चलाना नहीं आता तो। इसमें आपका हाथ अड़ना नहीं चाहिए, बहुत स्मूथली चलना चाहिए। जब आपका हाथ फास्ट हो जाता है तो आप बार बार जल्दी 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 करके फिनिश कर सकते हैं इसको, तब आपकी स्पीड बन जाती है। देखिए लास्ट तक, जब तक ये पूरी चेन ख़त्म ना हो जाए, आपने ऐसे ही डालते जाना है। बहुत इजी है, कुछ भी मुश्किल नहीं है। एक बार आपको अपनी फिंगर पर धागा चढ़ाना और उतारना आ गया क्रोशिए के साथ, तो समझिए आपको क्रोशिया आ गया, कुछ मुश्किल नहीं है इसमें। तो आप फिर कुछ भी, कोई क्रोशिया की बुक भी लाकर बाज़ार से, या और भी नेट पर बहुत सारे डिज़ाइन पड़े होते हैं क्रोशिया के, तो आप देख के आराम से सीख सकते हैं। ये जो मैं बेसिक स्टेप बता रही हूँ, ये मेरे एक व्यूअर्स ने बोला था कि मैम आप हमें बता दीजिए, हमने आपका चैनल सब्सक्राइब किया हुआ है तो आप को आता है तो आप हमें बता दो, तो मैं बता रही हूँ ये इजी से स्टेप आपको। फिर लास्ट वाले के ऊपर आपने दो चेन लेनी है या एक चेन लेनी है, एक से भी चल जाता है, दो से भी चल जाता है, धागे के ऊपर डिपेंड होता है। अगर धागा ज़्यादा मोटा थिक है तो एक लूप ही एक ही चेन लेनी है, अगर बारीक है तो आप दो ले सकते हो। उसके बाद फिर आपने साथ साथ में उसके ऊपर ऊपर, जस्ट उसके ऊपर ऊपर चेन में डालते जाना है, बिल्कुल सेम वैसे ही, तीन का दो, दो का एक, कुछ भी नहीं है, बिल्कुल इजी है।
चलिए ऐसे ही आपको पूरा लास्ट तक लूप डाल लेने हैं। ये मैं आपको वीडियो फास्ट करके नहीं दिखा रही हूँ, नहीं तो फिर आपको समझ नहीं आएगा, थोड़ा टाइम ज़रूर लगेगा बट आपको एक बार देखने से ही समझ आ जाएगा। अगर मैंने यहाँ पे वीडियो फास्ट कर दी तो आपको फिर समझ नहीं आएगा बिल्कुल भी। बहुत ही इजी है, कुछ नहीं है, एक बार हाथ बैठाना है बस। अब जो थर्ड लाइन आएगी वो मैं आपको बताती हूँ। कुछ डिज़ाइन जो होते हैं वो चेन के ऊपर नहीं बनते, वो उसके अंदर डालने पड़ते हैं। जो भी आप ये बीए से बनाते जाते हैं, इसको घर भी कहते हैं, बीए भी कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं, ये जो आप लंबे लंबे लूप बनाए जा रहे हैं तो इसके अंदर भी डाल के ये सेम ही 3 का 2, 2 का 1 बन जाता है, तो वो थोड़ा अलग डिज़ाइन आ जाता है। वो भी आपको मैं अभी बताती हूँ। ये जो आप 2 लाइन डाली है ये अपने चेन के ऊपर ऊपर डाली है, जस्ट बिल्कुल अब देखिए ध्यान से, अब मैं उसके अंदर डाल रही हूँ जो लूप बनाए थे, अंदर डाल के सेम वैसे ही 3 का 2, 2 का 1 करते जाना है। ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि कुछ डिज़ाइन जो क्रोशिए के होते हैं उसमें ऐसे उसके अंदर से ही बनाना पड़ता है लूप के अंदर डाल के, और कुछ डिज़ाइंस होते हैं जो चेन के ऊपर ऊपर बनते हैं, तो ये दोनों तरह से आपको आना चाहिए। इसमें स्पीड थोड़ी बढ़ा दी है क्योंकि आप लोग भी सेम ही चीज़ देखकर बोर हो जाओगे। ये देखिए देखने में सेम ही लगता है, कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं लगता चेन के ऊपर और इसके अंदर से, बट आपको दोनों तरह से पता होना चाहिए कि ऐसे भी लूप बनता है और वैसे भी बनता है। सबसे लास्ट तक जाकर आपने ये सेम ऐसे ही 3 का 2, 2 का 1 देखिए, अब फिर चेन लिया, फिर उसके अंदर से 3 का 2, 2 का 1, बस यही सिंपल है और कुछ नहीं है। ये पहले आपको 2-3 बेसिक स्टेप अच्छी तरह आ गए, उसके बाद आप डिज़ाइन सीखना कोई भी, क्योंकि ये आपके हाथ की सफाई के लिए आपको आना चाहिए, तभी आपको क्रोशिया चलाना आएगा। ये आप जितना प्रैक्टिस करेंगे 3-4 बार में आ जाएगा, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। देखिए जब आपकी स्पीड बन जाएगी तो आप इस तरह जल्दी जल्दी क्रोशिया चला सकते हैं। देखिए कुछ फ़र्क लग रहा है आपको नीचे और ऊपर वाले में? कुछ खास फ़र्क नहीं लग रहा है, थोड़ा सा फ़र्क है, ऑलमोस्ट सेम ही है। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।